इंद्री लाडवा मार्ग पर यमुनानगर की ओर से आ रही एक रोडवेज की बस सामने से आ रही एक कार से टकरा गई, जिससे बस में बैठी दर्जनों के करीब सवारियों को चोटें आईं। टक्कर के बाद बस खाई में जा गिरी और बस पलटने के कारण उसमें बैठी लगभग 30 सवारियां घायल हो गई। कुछ घायलों को तुरंत इंद्री के CHC अस्पताल में लाया गया, जबकि कुछ घायलों को लोग लाडवा अस्पताल ले गए। जैसे हम लाडवे से इंद्री की तरफ साइड जा रहे थे ना, हाँ जी, तो कार वाला ना जी बहुत स्पीड से था जी, हाँ। और इसने तो ब्रेक मारे ही नहीं जी। अच्छा, हमारी बस तो बिल्कुल, हमने तो बिल्कुल साइड में लगा ली थी। इसने आन के सीधे वहीं मारी, और जब हमारी बस में जब बिल्कुल स्लो थी हमारी बस, जब इन्होंने टक्कर मारी ना जी, तो हमने साइड में बचाव के लिए साइड में काटी, तो बस एकदम नीचे साइड में पलट गई। कई बंदों को लग रही जी, ज्यादा सीरियस तो कोई है नहीं जी, बाकी नॉर्मल चोटें लग रही जी, किसी गुप्त चोटें लग रही, तो भाग गया जी, उसको तो पता ही नहीं लगी। ये क्या हादसा हो गया जी? सुबह सुबह कुछ 7:30 बजे करीब कोई बस हादसा हुआ है, उसमें पेशेंट आए थे काफ़ी एमरजेंसी में, तो सबको अच्छे से ट्रीट करके रेफर कर दिया गया एक्सपेक्टिव प्लेसेस पे करनाल। अराउंड 15-16 लोग थे जिनको चोटें, बच्चा सेफ है, जो छोटे बच्चे थे वो सेफ हैं, जो थोड़े बुजुर्ग हैं उनको थोड़ी चोटें हैं, फ्रैक्चर वगैरह, और कुछ लोगों को सिर पे चोटें हैं, उनको सबको स्टिच करके अच्छे से स्प्लिंट वगैरह लगा के उनको रेफर। ज़्यादा मेजर किसी को नहीं है, जानलेवा चोट ऐसी कोई किसी को नहीं है, बच्चे ठीक है। बस जा रहे हैं, कार ना टक्कर हुई है बस की। किधर आ रही थी बस? बस यमुनानगर तो आ रही है। किड़ी जगह तो आया जी? यमुनानगर तो। अच्छा, कितने की चोटें लगी हैं? चोट मेरे शोल्डर के अंदर चोट लगी है जी। अच्छा, और किसी ने कुछ ज़्यादा चोट तो नहीं? किसी ने ज़्यादा लगी है, उन्होंने इतों करनाल हॉस्पिटल शिफ्ट करता है। किन्ने को पेशेंट होंगे जिन्हें चोटें लगी हैं? 15-20 तो हो गए। कुछ नू तो उतो ही लै गए, प्राइवेट हॉस्पिटल लै गए। अच्छा, जिस तरह कारा आ गए, पिछों कोई लै गया, बैठा के पिछले मोटरसाइकिल से लै गया, कोई इधर आ गया, कोई किधर लै गया।